मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर डूम शब्द का इस्तेमाल टिप्पणी करने का मामला गर्मा गया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने सीएम सैनी का बचाव करते हुए कहा कि सुरजेवाला द्वारा नायब सिंह सैनी को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा गया था। धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि सुरजेवाला को कांग्रेस का इतिहास याद आ गया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री को एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता है और उन पर एक मूवी भी बनी है। कहा ये नायब सिंह सैनी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कहा ये अपने ऊपर जनादेश लेने वाले मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चयन कैसे हुआ ये सभी को पता है। मुझे लगता है कि सुरजेवाला जी गलती कर गए, क्योंकि नायब सिंह सैनी तो जनता के द्वारा चुने हुए, शानदार जनादेश से चुने हुए जो है मुख्यमंत्री हैं। सभी सीटों पर जाकर उन्होंने प्रचार किया है और अपने नाम पर पार्टी ने उन्हीं का नाम तय किया था, तो उनके नाम पर जनादेश लिया है। ये जो एक्सीडेंटल शब्द है, ये प्रधानमंत्री एक प्रधान कांग्रेस के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल हुआ। उन पर एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म भी बनी है, तो वो बैकफायर कर गए। उनके जेहन में, उनके इतिहास में, उनके मस्तिष्क में वही शब्द रहा और सबको मालूम है कि वो बने भी एक्सीडेंट से थे। तो उस समय सोनिया जी बनना चाहती थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें आई और जिसके कारण से मनमोहन सिंह जी का नाम तय हुआ और इसलिए उनके नाम पर फिल्म का नाम भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर दिया गया। तो मुझे लगता है कि सुरजेवाला जी के हृदय में वही था और वही शब्द उच्चारित हुआ और एक तरह से अपने पर ही इस वार को उन्होंने उल्टा ले लिया है। देखिए, एक तो वीडियो मैंने देखा था, मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है। नीचे से लोग, कुछ लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री जी ने उच्चारित किया, मौलिक शब्द मुख्यमंत्री जी के नहीं है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि लोगों ने भी उनको जाति सूचक नहीं कहा, कार्य सूचक कहा है। वो सबको ध्यान में आ रहा है, कोई उसमें जाति जैसा विषय नहीं। जाति में तो खुद जाकर घुस रहे हैं सुरजेवाला जी। वो जिस प्रकार की कांग्रेस की अनाप शनाप प्रशंसा करते रहते हैं, इसलिए उनको जो है लोगों ने वो कार्य सूचक कहा कि वो इस प्रकार का काम करते रहते हैं, तो इसलिए उसको उस दिशा में ना ले जाएं, वो उस दिशा में ले जाना, इस प्रकार का रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने उसके कार्य सूचक शब्द, हमारे यहाँ बहुत सारे जो काम हैं वो काम करने वाली जातियां भी हैं और लोग भी हैं, और हम उस नाम से उच्चारित भी कर देते हैं। मान लो कोई खेती बाड़ी की ज्यादा बातें कर रहा है, उसकी कास्ट कोई भी है, तो कहेंगे बड़ा किसान बना हुआ है। कोई हिसाब किताब की ज्यादा बातें कर रहा है, तो कोई उसको कह सकता है बड़ा व्यापारी बना हुआ है। चाहे उसकी कास्ट कुछ भी है, चाहे व्यापार करता है चाहे नहीं करता है। कोई ज्यादा मंत्र मंत्रों में, उपवास में या ज्योतिष वगैरह में ज्यादा घुसा हुआ है, कह सकते हैं क्या ब्राह्मण बना हुआ है, उसकी कास्ट कुछ भी है। तो ये हम इन शब्दों को दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं, कार्य सूचक भी और जाति सूचक भी। तो वहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो कार्य सूचक है, कर्म सूचक है, वो कर्म संज्ञा है, वो जातीय संज्ञा नहीं है, जिसको वो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।